किसानों के हरियाणा बंद का असर भी यमुनानगर के बाजार पर पड़ता नहीं दिख रहा। लगभग 90% दुकानें और बाजार खुल चुके हैं। दुकानदारों को यह भी कहना है कि ना तो कोई किसान संगठन बंद करवाने आए और ना ही उन पर किसी का कोई दबाव है। का आह्वान किया है, इस समय पहुंचे हैं न्यू मार्केट में। जानते हैं कि किस तरह से व्यापारी या दुकान खोल रहे या नहीं खोल रहे, किस तरह का विचार है जी? आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण सिंगला है। कृष्ण जी, आज भारत बंद का जो आह्वान है व्यापार किसानों द्वारा, तो किस शुरू में देख रहे हैं आप? अभी हमारे यहाँ यमुनानगर में तो कुछ ऐसा रुझान देखने को नहीं मिला है। लगभग सारी मेन रोड और ये हमारा न्यू मार्केट लगभग 95% तक खुल चुका है। कुछ बाज़ार ऐसे हैं जो समय से थोड़ा लेट ही खुलते हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़े धीरे धीरे खुलें, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बाज़ार पूरा खुल जाएगा। कोई आह्वान करने आए बंद का, या किस तरह की पुलिस की या प्रशासन की तरफ से कोई बात हुई है? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आह्वान के लिए नहीं आए थे, और पुलिस प्रशासन सभी चौकों पर मुस्तैद है। मुझे नहीं लगता कि यमुनानगर में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। धन्यवाद जी। आपका नाम? संजय जैन। जैन साहब, जो आज मार्केट है, खुली है बंद? मार्केट तो खुली है जी, 10 बजे से। सर्दियाँ हैं आजकल, वैसे ही थोड़ा मौसम भी ठंडा है, थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन बाजार मेन रोड पे भी सारा खुला है और हमारी न्यू मार्केट भी ऑलमोस्ट सारी खुली है। कुछ कोई बंद कराने आया हो या प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज? तो कोई किसी तरह का कोई किसी ने प्रयास नहीं किया बंद करवाने का, और प्रशासन को भी ये रोडवेज की बसें भी चल रही हैं, प्रशासन को भी यही वो है कि भाई अगर कोई बंद करवाने आता है तो आपकी सुरक्षा की जाएगी। धन्यवाद जी। आपका नाम? हरमिंदर सिंह। हाँ जी, जो आज बंद का आह्वान है किसान यूनियन द्वारा, इसको आप बंद कर रहे हैं या कैसे है? अभी तो कोई असर नहीं दिखा सर यहाँ पे। 90% दुकानें खुली हैं, बाकी आसपास तो दुकानदार भाई आ रहे हैं। ग्राहक तो अभी खैर पता अब कोई नहीं, अभी ग्राहक नहीं है। अभी ग्राहक तो वैसे ही आजकल सर्दी में 12-1 बजे के बाद चलता है। धन्यवाद जी। हाँ जी, आपका नाम? अंकित।